ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਉਹਦਾ ਕਮਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕੀਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਸੁਣਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਾ ਕੇ गुसल जी मैंने गुसल दिया कोई वजूद का हिस्सा उन्होंने नहीं छोड़ा उनको धोखे से इफ्तारी पे बुलाया गया है कौन सी इन्होंने दुश्मनी ली है डॉक्टरों को बुला के चेक भी करवाते रहे हैं अभी जिंदा के नहीं जब मर गए फिर नार वीडियो बना दे रहे हैं उनके शरीर दिनों आते रहे हैं इन्हें मार इन्हें मौन दे को नहीं मरवा दे इसका भी सही ये भी अब नार्मल है ये बच्ची भी अब नार्मल है सुबह मेरा भाई सी अच्छा बुलाया ने साडा काम कर काम करन गया है जालमा ने अंदर फड़ के उनका कीमा कुट दिता उनके बाजू उनका कमर उनका लत्ता उन्हें तोड़ के कीमा कर दिता उनका और पुछते रहे की मेरा सुना की मेरा फिर उस तो बाद ना ड्रामे च पाया पा के एक कार गई एक रक्षा गया है फिर उन्होंने जाके वह वामिया को नहीं फड़क तो अगे उथे जाके उन्हें ड्रम सटिया उथे जाके उन्हें फिर उन जो पैसे को 1.5 लाख रुपया मशीन लिया तस्वीर बना के नेट चढ़ाइया फिर नाल वीडियो बनाते रहने उनके शकीर दिन आते रहने इन मार इन उनके को मरवाते रहने मैं नहीं मारना मेरा सताद मैं नहीं मारना साल उनके को मरवाते रहने उनके को मरवाते रहने पता नहीं फिर सामे आने बेचारे कढ़िया बहार से नस आया मैं आख्या भाई पुत्र तू सू राती दसिया तू हूं आया कहता मां मेनू मार देना है दसना नहीं मोटरसाइकिल सुट दे अच्छा। मोटरसाइकिल सुट गया तो तू दसना जो दसा तेन ही मारा तो डरदा नहीं आया सवेरे चाचा लिया जे वेख्या जाके बुढ़िया घर बुढ़िया घर जेडिया मारन जिन्होंने पुत्र सानू आखिर नहीं सानू पता ही नहीं सानू पता ही नहीं पता लगे घर जिम्मे आ द्वारा ने अज तिना भरावान घर ने भरजाइया आखिर सानू पता ही नहीं मैं बड़ा जाक रौला पाया नहीं फड़ो नहीं मार गया नहीं कुत्तिया तेन पता ही नहीं नी साडा भरा मर गया तेन पता ही नहीं लगा नहीं उन्होंने कुत्तिया ने कोई नहीं दस उन्होंने दसिया उन्हें आखिर सानू पता ही नहीं सानू तो पता ही नहीं है कोई कसूर नहीं होता सिर्फ पक्के कर सही करने बाद फैसला करे तो होता एक सुई का सराख जिना कोई कसूर नहीं कोई कसूर नहीं साढ़े हथा दे जमया पलिया इतना मां मजे दे गवाही दे इस गल की कहता सब नाल घर मेरा उधर मेरा भरा है वह आन के गवाही दे किस तरह पलिया किस तरह रहा है जुलम किया ज्यादा कि अल्लाह जाने क्यों की बदतमीजा ने मैं उन्होंने लिया मैदान कुछ पुलिस को नहीं फैसला करा असि खुद फैसला करा असि खुद फैसला करा इतने लिया जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मेरा नाम हाफिज मोहम्मद ताहर सैफी है मैं बतौरे TLP अमीर भी उस इलाके का अच्छा वो हमारे कारकुन थे इनसे हमारे बड़े अच्छे रिलेशन थे बहुत ईमानदार आदमी है काम करते थे वो गुसल मैंने खुद दिया है जी मैंने गुसल दिया कोई वजूद का हिस्सा उन्होंने नहीं छोड़ा उन्होंने कोई वजूद का हिस्सा नहीं छोड़ा खून बह रहा था जब गुसल भी दे रहे थे अच्छा। दिमाग पे भी डंडे मारे हैं नाक भी उनकी तोड़ दिया बाजू भी तोड़ दी टांगे भी तोड़ दी और मुतलका जो हमारे सदर SHO है ज़हीर शाह साहब वो बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं पहले दिन ही उन्होंने 24 घंटे में एक मुलजम को गिरफ्तार कर लिया था और ये जो चेमगुइयां लोग कर रहे हैं ना के पुलिस कॉपरेट नहीं कर रही है झूठ है बहुत अच्छा कॉपरेट है अभी वो अपनी पूरी टीम के साथ सदर थाना मरीद के SHO साहब आए थे तो बच्चों को प्यार भी दे के गए हैं और वो अपने लेवल पर उनका DPO तक IG तक राबता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह कैफे किरदार तक उनको पहुंचाएंगे पूरा गांव उस लड़के के बारे में ये गवाही देता है कि वो नेक आदमी था धोखे से घर बुलाया नसीर भाई उनको धोखे से इफ्तारी पे बुलाया गया कौन सी इन्होंने दुश्मनी ली है ये हमें अभी तक बात का पता नहीं चल रहा पहले इनके साथ कोई इनके रिलेशन थे रिलेशन फैमिली रिलेशन यही है कि दूर नेड़े से वो लगते हैं लेकिन अच्छा। कोई इस तरह की इनकी दावत अपने गांव में किसी बंदे के साथ उसकी दावत नहीं अच्छा। बतौरे मैं इमाम भी यहाँ रहा हूँ इनके गाँव में अच्छा। और मेरे करीब थे वो मेरे मदरसे में काम भी आके करते थे उसकी ईमानदारी की गवाही पूरा गांव देता है कि जिसके घर काम एक मिनट अभी वो गांव में जिस घर में काम के लिए जाते थे ना वो माए बहने कहती हैं कि अगर कुछ कहा इतने पैसे बने दे दिए नहीं दिए तो वो बात भी नहीं करते इलेक्ट्रिशियन का काम इलेक्ट्रिशियन का सुबह एक आदमी बुजुर्ग आया वो 200 रुपया उनको दे रहा था तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि उनके कह रहा था मैंने ये 200 रुपया इनका देना इतने वो ईमानदार थे कि उन्होंने बस अपनी जिंदगी बड़ी ईमानदारी से गुजारी है हम पूरा इलाका
और अल्लाह हमारी दुआएं भी साथ हैं कि जो दुश्मन है कातिल है उनको पकड़ा जाए, काफिर किरदार तक उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए, ताकि हमारे पूरे जिले शेखपुरे मरीद के लिए एक इबरतनाक ये उनकी सजा उनको दी जाए, ताकि आगे वो कोई इस तरह की जरूरत ना करें। मैं ज्यादा बयान नहीं कर सकता। आपने उनको गुस्सा दिया और कोई हड्डी जिस्म की नहीं बची? नहीं बची, उनका सर पे इतना बड़ा डूंग था इस तरह डंडे मार मार के, नाक की हड्डी टेढ़ी थी, बाजू फ्रैक्चर हुए हुए थे, टांगे तोड़ी हुई थी। फिर रोजा रखा था, उसको कहा था कि आओ आपका रोजा खुलवाते हैं, जाओ ना आओ आओ आओ। फिर बाद में हमें जो बातें मिल रही हैं, डॉक्टरों को बुला के चेक भी करवाते रहे हैं, अभी जिंदा के नहीं। अच्छा। जब मर गया पता चला। डॉक्टर कौन से थे? उन्होंने भी नहीं, हमें नहीं ना इल्म है, हम तो बातें सुन रहे हैं। तो ड्रम में डालकर राणा टोन फेंक आए हैं, तो ये वीडियो बनाते रहे उसकी, फिर उसके ऊपर के लाश की बेइज्जती करते रहे। जिन 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 लोगों ने उनकी देखी है वीडियो उनको पता है, मैंने सिर्फ पिक्चर देखी है। तो ये 24 घंटे में मुरीद के की पुलिस ने अल्लाह का शुक्र है एक मुल्जम को नामजद को गिरफ्तार कर लिया, तो बाकी इंशाल्लाह वो तलाश। क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? रमजान मुबारक का तकद्दस पमाल किया गया है, रमजान मुबारक का आखिरी अशरा है और 27वीं की रात कल गुजरी और इतना बड़ा सालेहा। मैसेज यही है कि अगर इस महीने में मेरी बहने आप माशाल्लाह आई है, आपका भी तावन अल्लाह ताला आपको सिला देगा, आपके चैनल का इतनी बड़ी बात है कि अगर रमजान मुबारक में एक काफिर अपने बच्चे को इसलिए डांटे कि मुसलमानों के रोजे हैं तुम खा पी रहे हो, अल्लाह को वो अदा पसंद आए और अल्लाह ताला उसको ईमान की दौलत से माला माल कर दे। एक काफिर को अल्लाह अदब की वजह से ईमान की दौलत दे रहा है, और वे कौन से मुसलमान है कि जिन्होंने रोजे की हालत में इस तरह दर्दनाक तरीके से उसको मारा है। अल्लाह माफी ता फरमाए। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये तो वो महीना है जब नफल फर्ज बन जाते हैं, फर्जों का सवाब बढ़ा दिया जाता है, इतनी वो रात लैलतुल कद्र हजार महीनों से बेहतर, और उस रात ये उन्होंने अल्लाह माफी ता फरमाए। बस अल्फाज मेरे पास नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया कि आप वक्त पे पहुंचे, इसका सिला अल्लाह आपको ता फरमाएगा। बाजी आप परेशान ना हो, आप पैगाम दें मरियम नवाज साहिबा को, असीं ध्यान ने हां वो इत्थे आवे, वो इत्थे आन के वेखे उनके बच्चे, वेखे ओनु, वेखे इत्थे उनकी गवाही लवे, उनके बच्चे भी नॉर्मल ने, जो दो ने ये बच्ची भी अब नॉर्मल है, सुबह तड़फावे मारे अल्लाह आपी आजाद अल्लाह आपी अल्लाह सुन के बाद कौन वारिस है, तो को ये नोटिस लेना चाहिए मरियम नवाज साहबा को, इनकी कफालत के लिए पूरी जिंदगी के लिए कुछ करना चाहिए उनके लिए। आज जो करे दीदी अगो फिर भी ना किसी ना करेगा, आज जो आज करे दी जी, अगर ते पूरे के जो जालम लोग हैं अगर उनको आज नहीं पकड़ा गया, आज सजा नहीं हुई तो कल किसी और के साथ भी ये मामला हो सकता है। भाई के बच्चे कितने? भाई 5 बच्चे, भाई के 4 बेटे ने 1 बेटी, अगो भी उन्होंने पता हो किस मजलूम ना की अगो इंज नहीं करना। और भाई दरिंदा है, और दो नंबर काम करता, चरसा वेचता, फीमा वेचता, बुढ़िया लै आंदा छड़िया लै आंदा छड़िया, और बड़ा बदतमीज है, उनका प्यो भी एवं बदतमीज, तो वह भी एवं। बस बच्चों की तरफ देखें और हुक्मरान वाला तक इनका पैगाम पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। अल्लाह हाफिज़।